हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और इवनिंग के टाइम से अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 6:15 बज रहे हैं, बच्चे ट्यूशन से भी आए नहीं और मैं अभी बाहर से आ रही हूँ क्योंकि मैं अभी कुछ सामान लेके आई हूँ। कल को करवा चौथ है एज यू नो, है ना, और ये वाला ब्लॉग करवा चौथ को जाएगा। तो सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो, माता करवा सबका सुहाग बनाए रखे, है ना, और सबके घर में सुख शांति बनी रहे, सबकी जोड़ी बनी रहे सालों साल, है ना, यही हम आज कामना करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ सामान लाई हूँ, जैसे कि मुझे जो सब्जियाँ चाहिए वो सब्जियाँ, मॉर्निंग में सब्जी लाने में बहुत हौच पौच हो जाते हैं, बच्चों का स्कूल भी रहता है, करवा चौथ पर तो छुट्टी होती नहीं। और यहाँ पे मैं अपना करवा लाई हूँ जो कि प्लेन मिला है। तो पहले ना यहाँ पे वैसे मैं करवा ना मैं अपनी थाली वाला ही लोटा रख लेती हूँ, लेकिन मैं सोचूँ कि करवा रखना चाहिए, पता सब लोग करवा रखते हैं और मैं वही रख लेती हूँ, तो मैं करवा लाई हूँ। और ये बिल्कुल प्लेन है तो मैं इसको ना थोड़ा सा पेंट वेंट कुछ करूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है। और टाइम होने का रीजन पता है क्या है कि टाइम से मैंने मेहंदी लगवा ली, नहीं तो मेरे को अभी ये होती जल्दी जल्दी खाना बनाओ, ये करो वो करो, और उसके बाद में फिर और फूल लाई हूँ पूजा के लिए कल के लिए, जिसको मैं फ्रिज में रखूंगी। और यहाँ पे थोड़े से फल लाई हूँ जो पूजा में रखने के लिए मुझे चाहिए होते हैं। और मुझे अपना मंदिर भी क्लीन करना है क्योंकि करवा चौथ का त्योहार जो है उसमें पूजा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सही नहीं है कि हम सज धज के घूमते रहे और भगवान जी की मंदिर वंदिर साफ ना करें। तो यहाँ पे 6:15 बज रहे हैं दोस्तों, और मैंने दाल ली है अरहर की, तो मैं सोचू रात को दाल बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि दिन में सब्जी बनाई थी आलू की, तो अभी मैं बनाऊंगी दाल और इसमें नमक और थोड़ी हल्दी रखने के लिए। फायदा रहा ना एक दिन पहले मेहंदी लगवाने का कि अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, नहीं तो इस टाइम पे भागम मेहंदी लगवा तो ठीक रहता है यार, नहीं तो फिर वही रह जाता है कि रात को नींद भी पूरी नहीं होती, सुबह उठ के फिर जल्दी जल्दी बेजरत इतना सारा काम होता है। तो मैंने दिन में लगवाई थी साथ में, और पैरों पर उसको अपने आप लगाई थी, आप लोगों से पिछले ब्लॉग में टेंशन हो गई खत्म, लेकिन यहाँ पे पड़ा हुआ है कपड़ों का इतना लंबा चौड़ा ढेर, क्योंकि 3 दिन के सूखे हुए कपड़े, आज कड़क धूप हुई थी तो आज मेरे ब्लैंकेट भी सूख गए थे, पता, आज मैंने 4 ब्लैंकेट वॉश करे थे, और मेरी वॉशिंग मशीन में ना आराम से वॉश हो जाते हैं वो रखे उधर। और कल रात भी बहुत ठंड लग रही थी, परसों रात भी बहुत ठंड लग रही थी, मतलब चद्दर डबल डबल करके और एक दूसरे को चिपके पड़े थे। मैं यार पता है मैं अपने काम करने लगी थी, लेकिन मेरे सारे नेबर्स बाहर बैठे थे, सब लोग अपनी मेहंदी दिखा रहे थे, सब लोग बातें कर रहे थे, तो मैं भी चली गई। उसमें काफी टाइम हो गया, अभी 7:00 बज रहे हैं दोस्तों, और मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ बच्चों के लिए। मैं बाहर बैठी हुई थी, एक भाभी कह रही मेरे पैरों में मेहंदी नहीं लगी, मैंने कहा चलो यार मैं लगा देती हूँ। तो प्यार होता है थोड़ा सा किसी से तभी इंसान थोड़ा सा करता है, क्योंकि मैं भी बिजी हूँ शाम के टाइम में, लेकिन मुझे लगा चलो लगा देती हूँ, अच्छा लगेगा, याद रहेगा अगले साल भी, है ना। और अभी मैं लहसुन छील रही हूँ और प्याज, लहसुन हाँ, छील रही हूँ आप, और दाल फ्राई कर रही हूँ। ये गंदा क्या? हेलो गाइस, आप हमें बोल रहे थे कि शक्शक खा गया, ये रहा मैं, पता ही है सब्जियाँ देख के कर रहे हैं कि बिना सब्जियों के दाल दे तो खा लेगा, इसलिए तो मैं मिक्सी में पीस के डालती हूँ आजकल सारी दाल। मैंने दाल फ्राई कर दी, राइस बना दिया बच्चों के लिए, और बाहर से शोर की आवाज आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, और अदर फ्रूट्स धो के रखे हैं जो कल पूजा में रखूंगी, है ना। और कुछ कान्हा जी को भी अपने भोग लगा दिया है, और इधर कुछ सब्जियां वॉश करके रखी हैं, और कल के लिए ना मैंने पेठे की सब्जी बनाने के लिए सोची थी, तो पेठा कट करके इसमें रख दिया, ये रहा कट करके रख दिया, और फ्रिज में अपने फूल भी रख दिए हैं बांध के पॉलिथीन में, तो खराब नहीं होते, सुबह को बहुत अच्छे फ्रेश निकलेंगे। और अभी मैं सोच रही हूँ कि टाइम के हिसाब से को मैंने करवा सजा दिया अपने इस तरह से। तो दोस्तों मेरी मटकी सज गई है, काफी सुंदर लग रही है, ये रही है ना गोल्डन कलर की, बहुत अच्छी लगेगी थाली में लगी हुई है, ये भी फ्री मिला है मम्मी को, ये इसके साथ ही आता है, भाई मिलता ही है पूजा के लिए, और मम्मी ने इसे सजाएगा भी, सोचो कुछ छोड़ना नहीं, तो बस मैं अब खाना खाऊंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात से ना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, मैं भाभी के पास चली गई थी मेहंदी लगाने, और अभी घर की क्लीनिंग हो चुकी है, और अब कुछ वीडियो भी काम करते करते मैं एडिट कर रही थी, क्योंकि त्योहार के दिन बहुत ही हौच-पौच रहती है, और किचन वगैरह क्लीन किया भी मैंने, और इधर अपना कुछ सामान निकाल के रखा है, और रात करवा मैंने इस तरह से पेंट कर दिया था, देखो करवा है जो रात मैंने पेंट कर दिया था इस तरह से, पता रेड कलर मेरे पास रखा था, लेकिन बच्चों ने पता नहीं कहाँ, श्रीजा ने कहाँ पहुँचा दिया उसको, तो वैसे भी अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना, ये रिबन सा बांध दिया मैंने इसमें,
हम लोगों की यहाँ पे क्या है ना, कथा ना 12 बजे तक हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में अपना करवा भर के रख देते हैं, कथा पढ़ते पढ़ते अपना करवा भर के रख देते हैं। लेकिन हमारी जो कॉलोनी है जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तैयार होने के बाद, और वहाँ पे आंटी है हमारी, तो उन वो कथा सुनाती है, तो वहाँ कथा सुनने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं चली जाती हूँ, कथा सुन के आ जाती हूँ। लेकिन करवा मैं अपना पहले ही भर देती हूँ, क्योंकि देखो हम कहीं भी रहें, कुछ चीजें हमें अपने घर के रीति रिवाज के हिसाब से करनी चाहिए। बाहर कबाड़ी आवाज लगा रहा है। तो कुछ चीजें अपने घर के रीति रिवाज के हिसाब से करनी ठीक रहती है। और मेरी साड़ी उधर रखी हुई है, उसमें प्रेस करवानी है, तो मैं अपने हस्बैंड जी को कहूंगी प्रेस के लिए देखो। वो भी मैं अभी नहाने से जाने से पहले हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ मैं उनको दूंगी 2 ब्रेड। बच्चों को लंच मैंने आज बेसन का चीला बना के दिया था, जो कि इजी था काफी, है ना, जल्दी बन जाता है, और एप्पल दे दिया था तो ठीक हो गया था। और अभी मैं इनको 2 ब्रेड, इन्होंने भी एक चीला खा लेते, एक्चुअली आई हूँ नहा के, और ये वाला सूट पहन लिया मैंने अपना येलो वाला, क्योंकि मैं अभी और आज मैं सूखा वाला सिंदूर लगाऊंगा। वैसे मैं गीला वाला लगाती हूँ, लेकिन करवा चौथ पे पूरी मांग भर के लगाना चाहिए, सूखा सिंदूर तो वो लगाती हूँ। फिर और यहाँ पे पहन रही हूँ मैं अपनी पायल, जो कि आप लोगों को बड़ी अच्छी लगी थी, है ना, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लग रही है ना। और मैं इनको डेली उसमें पहन के ही रखूँगी, उतार के रखूँगी ही नहीं, क्योंकि हैं भी इस तरह की आजकल चल रही हैं। और पैरों की मेहंदी बहुत सुंदर लगती है, आप लोगों ने पैरों में मेहंदी लगाई या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे पैर बन गए ना सुंदर, सजे सजे, प्यारे प्यारे। तो करवा चौथ के दिन नहाने के बाद सबसे पहले मैं अपने बिछुए चेंज करती हूँ, अपनी मांग भरती हूँ, और उसके बाद में चूड़ियाँ पहनती हूँ, मतलब ये तीनों चारों चीज़ जो होती है सुहाग की, ये करती हूँ। और उसके बाद में मैं अपनी पूजा की चौकी लगाऊंगी, क्योंकि आपको मैंने बताया ना करवा हमारा अभी भरा जाएगा, तो अपने करवे को मैं भर के रखूंगी, थोड़ी पूजा करूंगी, और यहाँ से थोड़ा सजा दूंगी, जिससे पूजा की चौकी सुंदर दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं करवा माता की फोटो जो होती है ना वो लगाऊंगी, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाऊंगी, किसी भी शुभ काम में या पूजा पाठ में लाल कपड़ा जरूर बिछाते हैं, चौकी पे ऐसे खाली नहीं रखते, है ना, पूजा की चीजें। तो ये मेरा लाल कपड़ा है, पूजा के लिए मैंने बना रखा है इसको, तो इसको बिछाऊंगी, और उसके बाद में इसमें करवा माता का जो फोटो मेरे पास है, और ये फोटो मेरे पास कई साल पुराना है, मैं ना इसको हर बार यूज कर लेती हूँ, तो कैलेंडर ना लेके मैंने इस तरह से लिया हुआ है, ये मतलब गत्ते के ऊपर चिपका हुआ है कार्डबोर्ड के ऊपर, तो ये ठीक रहता है, हर बार मैं इसको उठा के पैक करके रख देती हूँ संभाल के। और एक चुन्नी है मेरे पास थोड़ी बड़ी सी, तो मैं सोचूँ इससे थोड़ा सा सजा देती हूँ, और चलिए पहले सजाती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। करवा भर के रख देते हैं, तो मैं अपना करवा भी भर के रखती हूँ, कहानी सबके साथ भी सुन लेती हूँ। तो एक टाइम होता है ना आपके आपके घर की पूजा का, तो मैं हमेशा से ऐसे ही रखती हूँ। अभी मैं यहाँ पर पूरा अपना सेटअप तैयार करके पूजा का, और यहाँ पर मैं करवा भर के रखती हूँ, माता रानी के हाथ जोड़ लूँगी, और
मैं ये वाली कथा जो इस पे लिखी हुई है ना, ये भी पढ़ लेती हूँ और हाथ जोड़ लेती हूँ, यहाँ पे अपने कलवे को रखती हूँ। तो पूजा की चौकी मैंने सजा दी, उसके बाद मैं अपना नियम करती हूँ अपने कान्हा जी को स्नान कराने का। तो थोड़ी सी जितनी सेवा हो पाती है थोड़ी बहुत ही करती हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाती मैं। तो सबसे पहले उनको स्नान कराऊंगी और उनको यहीं पे चौकी पे ही बैठा लूँगी, क्योंकि यही है तारनहार, सारी लीला यही रचते हैं ना, ज़िंदगी में जो भी चलता है सब इनकी रचना है। और जो मैं अपनी सासू माँ के लिए साड़ी लाई थी या चूड़ियाँ वगैरह श्रृंगार का सामान सुहाग का, वो सब मैं अभी निकाल दूंगी और ये पूजा में रख लूंगी अपने, है ना, पूजा में रख के फिर उनको दूंगी तो अच्छा रहता है। और शाम का जो खाना निकालती हूँ वो मैं मंदिर में दे आती हूँ, है ना। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने सासू माँ के साथ में किया होगा, तो एक बार किया था जब मैं ससुराल में थी, नहीं तो अधिकतर मैं बाहर ही रहती हूँ। तो यहाँ पर सासू माँ के बाहने पर मैंने कलावर लगा दिया है जिसको मोली भी कहते हैं, ये बहुत शुभ होता है पूजा की सब चीज़ों में, इसको बांधते हैं जब किसी को कपड़े देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो मैंने उसको बांध दिया मोली से। और ये है मेरी सासू माँ का बाहिना जिसके कपड़े मैं पूजा में रख रही हूँ, और शाम को खाना निकालूंगी बाहिना में, तो ये यहीं कर दूंगी, मैं सुबह ही रख देती हूँ रोज निकाल के, और जब भी करवा चौथ होती है तो मैं सुबह को अपनी चौकी तैयार कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं दिया वगैरह लगाती हूँ, फिर शाम को मैं यहीं से सारी चीज़ें ले लेती हूँ। और ये मेरा करवा है, अब मैं अपना करवा भरूंगी, लेकिन करवे पर पहले मौली डालूंगी क्योंकि कोई भी शुभ काम मौली से ही शुभ। और अभी मैं अपने करवे में जल भरूंगी, तो एक दूसरे साफ लोटे में मैंने जल ले लिया और उसको मैं भरूंगी, जिससे हम शाम को ना चंद्रमा को अर्घ देंगे, तो उसको भर के मैं भी रखूंगी, इतना भरूंगी कि यहाँ से छलके नहीं, नहीं तो पैरों में गिरेगा, है ना। तो इसको मैं भर के यही चौकी पे रख दूंगी अपनी, इसमें दिया भी रखा है जिसका शाम को मैं दिया लगाऊंगी। ये मैंने माता रानी के चरणों में रख दिया यहाँ पे करवा माता, और अब यहाँ पे मैं 5 धूप ले लूंगी अपने हाथ में, धूप जरूर रखते हैं किसी भी पूजा में, बहुत शुभ मानी जाती है, तो यहाँ पे मैं धूप ले लूंगी और थोड़े से चावल हाथ में लेके ये कथा पढ़ूंगी, और उसके बाद में सुबह कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी कॉलोनी में शाम को करते हैं, तो मैं अपने घर के हिसाब से हर बार यही करती हूँ, मैं मॉर्निंग में कथा कर लेती हूँ और अपना करवा भर के रख देती हूँ। आई थिंक जो भी जिनके यहाँ सुबह में होता है तो वो ऐसे ही करते होंगे, और पता सुबह सुबह पूजा करके घर का माहौल भी बहुत अच्छा बन जाता है, जो शाम की पूजा होती है तो शाम की होती है करवा चौथ की, लेकिन ये पूजा हमारी ये कथा सुबह। सासू माँ का बाहना निकाल दिया जिसमें खाना मैं शाम को निकालूंगी, और खाना मैं मंदिर दे आती हूँ हमेशा। और आज करवा चौथ के दिन मैं माता रानी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि सबका सुहाग बना रहे और सबके पति की दीर्घायु रहे, सबकी जोड़ी बनी रहे, पति पत्नी दोनों सब स्वस्थ रहे, क्योंकि दोनों में से अगर एक को भी प्रॉब्लम होती है ना तो दुख तो दोनों को होता है ना। और बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ करवा चौथ पे बहुत सारे जोक वाले वीडियोस एक दूसरे को भेजते हैं, लेकिन वो नहीं भेजना चाहिए, वो अपने धर्म का अपमान करना होता है। तो इसमें करवा चौथ में चौथ माता की पूजा करते हैं, जो कि बहुत मतलब भाग्य की बात है यार, भाग्यशाली होते हैं जिनको ये सब करने का मौका मिलता है ना। तो बस करवा चौथ का जो व्रत होता है ना वो एकदम निर्जला व्रत होता है, इसमें जल भी नहीं पीते हैं,
और बिल्कुल निर्जला व्रत रखा जाता है, और हर बार मैं बिल्कुल निर्जला व्रत रखती थी, चाय और दूध, चाय और ये पानी वगैरह बिल्कुल नहीं लेती, पानी तो खैर इसमें लेते ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेती थी। लेकिन पिछली बार जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था हस्बैंड का, उसके बाद में जब मैंने फास्ट रखा था, तो पिछली बार मेरी सासू माँ ने भी बोला, और मतलब मेरे से भी बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं रहा गया, तो फिर मैंने दो बार चाय ली थी इसमें, तो अब मेरा नियम ये हो गया है। तो अभी मैं, और अधिकतर जितनी भी बड़ी उम्र की लेडीज होती है ना, या फिर जो लेना चाहते हैं, वो कथा पढ़ के अपनी एक कप चाय ले लेती हैं। तो आप लोग लेते हो या नहीं कमेंट करके बताना। तो शादी से अब तक भी मैंने कभी ऐसी चाय नहीं लेती थी, लेकिन पिछली बार से मैंने शुरू कर दिया था। ठीक है, उससे पहले मैं बिल्कुल ऐसे ही रखती थी, शाम तक ऐसे ही रहती थी, लेकिन वो इतनी बड़ी सर्जरी थी, उसके बाद नहीं रहा गया ऐसे, तो ऐसे रहा। और पता है हम लोगों के यहाँ पे जब मेरा पहला करवा चौथ था, तो हम लोगों के, मेरी ससुराल का ये नियम है, मेरी मायके में करवा चौथ नहीं होती है, हमारे यहाँ होती ही नहीं है वो शुरू से। हमारे मायके का ये, हमारे ससुराल का ये नियम है कि जब पहली करवा चौथ होती है ना लड़की की शादी के बाद में बहू की, तो उसको थोड़ा सा कुछ खिला देते हैं करवा चौथ में, मतलब खिला देते हैं मतलब कथा सुना के बच्ची को, क्योंकि भाई शुरू शुरू में पता, वो इसलिए करते हैं कि मतलब कथा सुना के पूजा करके, और उसके बाद में थोड़ा सा कुछ खिला देते हैं, मुंह मीठा भी करा देते हैं, और थोड़ा सा फल भी खिलाते हैं। वो नेक इसलिए किया जाता है कि कभी फ्यूचर में अगर वो बहुत ज्यादा बीमार है, या फिर उसको मतलब जैसे प्रेगनेंसी है, आप फोन चलाते रहोगे, तो अगर वो खाली पेट नहीं रख सकती, तो वो मतलब ऐसा नियम ना रहे, क्योंकि पहली बार जैसे करते हैं हर बार फिर कहते हैं कि वैसे ही करना चाहिए। तो मेरी ससुराल का ऐसा नियम है, मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपको ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही हो, या आप लोगों के यहाँ ना होता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे होता है, तो अपने घर परिवार की तरह से ही करना चाहिए सब कुछ। और मेरी कथा हो चुकी है, और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ फैला रखा है, इसको मैं थोड़ा समेटूंगी, और मेरे हस्बैंड मेरी साड़ी प्रेस करने के लिए देखेंगे, साड़ी प्रेस करने के लिए देखा होगा काम पे जाते हैं, हाँ, तो इनको कहीं जाना है, तो मैंने कहा साड़ी प्रेस करते हुए इनके लिए दे देना। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, और जय हो करवा माता की, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बाय बाय। पता करने के बाद हर साल मैं अपनी सासू माँ को फोन करती हूँ सबसे पहले, और उनका आशीर्वाद लेती हूँ। हर बार का मेरा ये नियम है कि जब मेरी कथा हो जाती है 11:30 बजे तक, अधिकतर हो जाती है 11:30-12 तक, तो अभी 11:30 बजे, तो मेरी कथा जब भी हो जाती है, तो मैं अपनी सासू माँ को फोन करती हूँ, उनका आशीर्वाद लेती हूँ।